सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ आशीष सिंह। आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी के। क्लास नाइन्थ के सिविक्स के टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेमोक्रेसी है क्या, कौन सी कंट्रीज़ है। दुनिया में 193 कंट्रीज़ हैं और ज़्यादातर कंट्रीज़ जो हैं वो डेमोक्रेसी को फॉलो करती हैं। मोस्ट आइडियलिस्टिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम इसको कहते हैं, आइडियलिस्टिक फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस कहते हैं हम जिसको, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आइए चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी आखिर है क्या। देखिए, सबसे सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझना चाहें तो इट इज़ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। लोगों के द्वारा, लोगों से और लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार। दैट मीन्स लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो एक इलेक्टेड बॉडी बनाते हैं और वो फिर लोगों के लिए काम करते हैं, कंट्री के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाते हैं ताकि कंट्री अच्छे तरीके से चल सके। अब डेमोक्रेसी ही क्यों, डेमोक्रेसी की सबसे खास बात यह है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो लोग हैं उनके पास मौका मिलता है कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो वोट कर सकते हैं, अपने अपने लीडर्स को चूज कर सकते हैं और वो लीडर्स उन लोगों से पावर ड्राइव करते हैं और साथ ही साथ वो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, लॉज बनाते हैं ताकि वो लोगों के बेनिफिट के लिए काम कर सकें, सोसाइटी को बिल्डअप कर सकें, कंट्री को डेवलपमेंट की ओर लेके जा सकें। तो डेमोक्रेसी के ये फायदे होते हैं। अब सबसे पहली बात टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं। बेसिकली दो तरीके की डेमोक्रेसी होती है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जहां पर हम अपने लीडर्स को चूज़ करते हैं और फॉर वो लीडर्स जो हैं हमारे लिए वर्क करते हैं, ठीक है, और हमारे लिए एक इलेक्टेड बॉडी बनाते हैं और वो इलेक्टेड बॉडी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के हमारी कंट्री को रूल करती है और कंट्री को आगे बढ़ाती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जहाँ पर लोग डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पे कोई भी वो अपने लीडर्स को चूज़ नहीं करते और वो लीडर्स फिर उनके लिए काम नहीं करते, वो डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं दुनिया में, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये फॉलो होती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है कि हम अपने नेता को खुद चुनते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके की होती है बेसिकली, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री का मतलब होता है कि जहाँ पर जो एक एक इलेक्टेड अथॉरिटी या इलेक्टेड बॉडी होते हैं, जैसे भारत की बात करते हैं तो भारत के अंदर संसद भवन है, संसद भवन के अंदर हमारे पास लोकसभा है, राज्यसभा है, दोनों का काम क्या है, कंट्री के बेनिफिट के लिए काम करना, कंट्री के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, और दे आर दी इलेक्टेड वन, जो लोगों के द्वारा चुने हुए नेता हैं वो लोग, उनको हम कहते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो करता है। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जहाँ पे जो हेड होता है, जैसे अगर हमारे यहाँ पे देखें हमारी कंट्री का, अगर आप इंडिया कंट्री की बात करते हैं जहाँ पे हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, तो इंडिया के अंदर जो हेड ऑफ द स्टेट्स होता है, ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। सारी पावर्स किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास, लेकिन उन पावर्स को एक्सरसाइज कौन करता है, रियलिटी में वो प्राइम मिनिस्टर करता है। लेकिन प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में, जैसे इसका एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप इस समय जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो ही इज़ द होल सोल रिस्पॉन्सिबल, ही इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड, सारी पावर्स उनके पास हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। देखिए, दुनिया के अंदर अलग अलग तरीके की टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, कोई भी स्टेट हो, कोई भी कंट्री हो, नेशन हो, ठीक है, टेरिटरी हो, ठीक है, उसको रूल करने के लिए किसी ना किसी तरीके की वहाँ पे सोसाइटी बिल्डअप होती है, किसी ना किसी तरीके की गवर्नमेंट होती है। अगर आप पुराने कल्चर में जाओगे तो वहाँ पे आपको मालूम होता है कि पहले राजा होता था, राजा की प्रजा होती थी और राजा ही न्याय करता था, उस तरीके का रूल सिस्टम होता था। लेकिन आगे चलते चलते अलग अलग तरीके की कह सकते हैं कि गवर्नमेंट्स बननी स्टार्ट होगी। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं हम गवर्नमेंट जो है अलग अलग तरह से मोनार्की की बात करते हैं। तो मोनार्की का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसी कंट्री जिसको हेड जो करता है वो एक राजा करता है, राजा या रानी, किंग या फिर क्वीन की बात करते हैं। जैसे अगर आप ब्रिटेन की बात करोगे, ठीक है, तो ब्रिटेन में क्या है कि जो क्वीन है शी इज़ द हेड ऑफ द कंट्री, वो कंट्री की हेड है, तो वहाँ पे क्या है कि मोनार्की रूल है वहाँ पर। अब आप बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो अभी मैंने आपको बताया प्रेसिडेंशियल फॉर्म क्या होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या होता है जैसे इंडिया के अंदर। देखिए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में भी इलेक्शंस होके ही आते हैं और पार्लियामेंट में भी इलेक्शन, क्योंकि डेमोक्रेसी है यहाँ पे। डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है, द पीपल हैव द राइट टू चूज देयर लीडर्स एंड दोज लीडर विल वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पर रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, रिपब्लिक का मतलब सिंपल सा ये होता है, ऐसी सरकारें जहाँ पे द हेड ऑफ द स्टेट और द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज एन इलेक्टेड वन, ठीक है, इलेक्टेड वन, नॉट अ नॉमिनेटेड वन। ऐसा नहीं है कि वो कोई नॉमिनेटेड वन होगा, इलेक्टेड वन होगा, वो लोगों के द्वारा चुना जाएगा। कुछ कंट्रीज ऐसा है जहाँ पे मिलिट्री रिजाइन में, दैट मीन्स वहाँ पे जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं या फिर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है या आर्मी के जर्नल्स हैं या आर्मी के जो एपेक्स ऑफिसर्स हैं वो ही पूरी कंट्री को कंट्रोल करते हैं, वहाँ पे पूरी कंट्री को
एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे म्यांमार की बात करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, डिक्टेटरशिप का मतलब होता है कि जहाँ पे तानाशाही रूल होता है, दैट मीन्स एक सिंगल आदमी है, सारी पावर्स उसके हाथ में कंसोलिडेट है। आप नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं। डेस्पोटिज्म का मतलब होता है जब एब्सोल्यूट पावर जो है वो एक सिंगल आदमी के हाथ में हो जाएगी, उसको हम डेस्पोटिज्म कहते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिए जो डेस्पोटिज्म है वहाँ पे क्या होता है, किसी भी लोगों के पास या फिर कह सकते हैं किसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनके पास कोई पावर नहीं होती। एब्सोल्यूट पावर का मतलब है सिंगल आदमी के पास सारी की सारी पावर होती है। एनार्की का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पे किसी भी सेट ऑफ गवर्नमेंट को बिलीव ही नहीं करते, जहाँ पे कोई प्रैक्टिस ही नहीं है, ना कोई सरकार है वहाँ पे, या फिर कह सकते हैं कि ना वहाँ पे कोई तरीके की गवर्नमेंट की प्रैक्टिस होती है, यहाँ कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट है किसी भी तरीके की नहीं है, वहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की प्रैक्टिस नहीं होती। जैसे अल्जीरिया का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, यहाँ पर एनार्की होती है। ध्यान रखिए जो मोनार्की रूल होता है किंग और क्वीन, उसमें क्या होता है, कोई भी इलेक्टेड वन राजा या रानी नहीं बनता, राजा का बेटा ही राजा बनता है, ठीक है। नेपोटिज्म कहते हैं हम जिसको, भाई भतीजावाद, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती हैं किस किस तरीके दुनिया के अंदर, लेकिन जो सबसे ज्यादा फेवरेबल है या फिर कह सकते हैं सबसे ज्यादा प्रैक्टिस होती है वो डेमोक्रेसी होती है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कुछ कुछ, हम यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर कुछ कुछ केस स्टडीज़ पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में, ठीक है, कि उन कंट्रीज़ के अंदर डेमोक्रेटिक रूल था या अनडेमोक्रेटिक रूल है वहाँ पे, ये किस तरीके से वहाँ पे प्रैक्टिस होती है दुनिया कुछ कंट्रीज़ का। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अपने पड़ोसी मुल्क के बारे में, स्टोरी ऑफ पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान आप जानते हैं पहले इंडिया का पार्ट था 1947 में, 14 अगस्त को वो आज़ाद हुए, ठीक है, उनका एक सेपरेट कंट्री बना, पाकिस्तान इज़ अ मुस्लिम कंट्री, ठीक है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं। अब खास बात यह है, मैं आपको बताता हूँ 1999 की बात है, ठीक है, 1999 की बात है यहाँ पर। 1999 में पाकिस्तान में क्या होता है कि 1999 में आप जानते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, कारगिल, जिसको हम कारगिल की लड़ाई कहते हैं, कारगिल, ठीक है, ये कारगिल की लड़ाई हम जीते थे। तो उस समय पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था नवाज शरीफ, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो आर्मी के हेड थे, ठीक है, जो आर्मी के हेड था उनका नाम था जनरल परवेज मुशर्रफ। देखिए यहाँ पे मैंने पिक्चर भी आपके लिए लगाई हुई है। तो इन्होंने 1999 में पाकिस्तान में क्या करा, एक मिलिट्री कू करा। देखिए मिलिट्री कू का मतलब, देखिए कू का मतलब क्या होता है, कू का मतलब होता है तख्ता पलट कर देना। तख्ता पलट का मतलब कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको गिरा देना और मिलिट्री के रूल को लेकर आ जाना। तो इन्होंने क्या करा, सरकार को गिरा दिया, और सरकार को गिरा के खुद को इन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव कंट्री का, चीफ एग्जीक्यूटिव मतलब सारी पावर्स अपने हाथ में ले ली, और फिर अपनी पोजिशन को चेंज करके इन्होंने प्रेजिडेंट भी कर लिया। तो इसका मतलब ये खुद कंट्री के क्या थे, ये कंट्री के प्रेजिडेंट भी बन गए, ठीक है, और कंट्री के चीफ ऑफ मिलिट्री स्टाफ भी बन गए। दोनों पावर्स इन्होंने अपने हाथ में रख ली। और 2002 में इन्होंने क्या करा कि कंट्री में एक रेफरेंडम करा, ठीक है। रेफरेंडम का मतलब होता है बेसिकली कोई एक ऐसी गवर्नमेंट अगर कोई भी ऐसी लॉ या पॉलिसी बनाती है उसमें लोगों का मत जानना चाहती है, लोगों की राय जानना चाहती है, तो एक रेफरेंडम के थ्रू करती है। तो रेफरेंडम में क्या था, इनको वोट मिला और उसके अंदर इनको 5 साल का एक्सटेंशन मिला, मतलब 2002 से लगभग 2007 तक इनको ताकत मिल गई कि पूरी कंट्री के अंदर अब क्या है, चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव भी यही है, प्रेजिडेंट भी यही है, और आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ भी। अब हुआ क्या, इन्होंने एक नया लीगल फ्रेमवर्क करा, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पाकिस्तान का जो संविधान है उसके अंदर चेंजेस करे, और उस चेंजेस के अंदर उन्होंने एक ऐसा लीगल फ्रेमवर्क डाल दिया जिस लीगल फ्रेमवर्क के अंदर इन्होंने क्या करा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर क्या है, प्रोविंसेस है, जैसे बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, गिलगित हो गया, बल्तिस्तान हो गया, तो ये प्रोविंसेस है। एक तो वहां पर नेशनल असेंबली होती है जैसे हमारे यहाँ की लोकसभा, एक वहां पर प्रोविजनल असेंबलीज होती है जो हर एक प्रोविंस पे होती है जैसे हमारे यहाँ स्टेट पे होती है। तो जो नेशनल असेंबलीज और प्रोविजनल असेंबलीज के ऊपर एक अथॉरिटेटिव बॉडी बना दी जिसको बोला गया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, और यही नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स है। काउंसिल का काम क्या होगा, ये सारे नेशनल और प्रोविजनल असेंबलीज जो हैं, जो जितनी भी स्टेट लेवल पे सरकार है और जो नेशनल लेवल की सरकार है उसको कंट्रोल करेगा। तो दैट मींस डेमोक्रेसी की तो कोई बात ही नहीं हुई यहां पर। अब दूसरी चीज क्या है, ज्यादातर जो सारी पावर्स थी वो जितनी भी मिलिट्री के ऑफिसर्स थे वहां पे, आज भी पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री के ऑफिसर्स होते हैं उनके पास बहुत पावर होती है। तो सारी पावर किसके हाथ में आ गई, जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में आ गई, और साथ ही साथ मिलिट्री के ऑफिसर्स। इसका मतलब है कि सरकार तो नेशनल लेवल पर भी है, सरकार प्रोविंशियल लेवल पर भी है, लेकिन फाइनल अथॉरिटी और पावर जो है वो किसके हाथ में है, जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथ में और मिलिट्री के ऑफिसर्स के हाथ में। तो यहां पे क्या होगा, एक तरीके का मिलिट्री रूल यहां पर इन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया, जो कि एंड में 2007 में ये खत्म होता है। तो फिर क्या हुआ, दुनिया के जितने भी ह्यूमन राइट एसोसिएशन थे, डिफरेंट एनजीओस थे, मीडिया था, उन्होंने कहा कि ये तो क्रिटिसिज्म कहा कि ये तो फ्रॉड करा, माल प्रैक्टिस करी, ये तो धोखाधड़ी कर दी कि आपने तख्ता पलट कर दिया, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को आपने गिरा दिया और आप अपनी खुद की सरकार लिया है। तो ये करा था इन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में। बाद में ये इन्होंने 2007 के बाद फिर इनके वहां पे डेमोक्रेसी वापस एस्टेब्लिश करी गई थी, और उसके बाद फिर
ये एग्जाइल कर गए थे, छोड़ के चले गए थे, उसके बाद वापस लौटे, इन पे केसेस वगैरह चल रहे हैं आज के टाइम पे, इनको अब डेथ वारंट भी इनके खिलाफ अभी पाकिस्तान की कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में दिया था। तो कहानी बाद की है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले समझने की बात है कि पाकिस्तान में किस तरीके से तख्ता पलट करा गया और वहाँ पर कैसे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को टॉपल करके एक अनडेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करा गया। तो ये चीज़ आपको समझ में आती है। अब इसके बाद बात करते हैं हम चाइना की। चाइना भी हमारा पड़ोसी मुल्क है। देखिए एक बात ध्यान रखिए, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ये सब नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। अगर हम बात करते हैं इंडिया, तो इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ। चाइना के अंदर जो चाइनीज़ रेवोल्यूशन आया था, या कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन कह सकता हूँ, वो 1949 में आया था। चाइना 1949 में आज़ाद हुआ, और चाइना को तब से लेकर, 1949 से लेकर आज तक एक ही पार्टी है वहाँ पे, सिंगल पार्टी सिस्टम फॉलो होता है। जैसे इंडिया के अंदर तो मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारे जो क्या कहते हैं इलेक्शंस के अंदर बहुत सारी पार्टीज पार्टिसिपेट कर सकती हैं, बीजेपी हो गया, बीएसपी हो गया, एसएसपी हो गया, ठीक है, कांग्रेस हो गया, लेकिन चाइना में सिर्फ एक ही सिंगल पार्टी है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। क्या नाम है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, माओ जेडोंग की पार्टी थी ये। तो चाइना की जो पार्लियामेंट है, देखिए हमारे यहाँ के पार्लियामेंट को संसद कहते हैं, ठीक है, वहां की पार्लियामेंट का नाम है क्वांगो रेनिम दाओबियो, ठीक है, आई एम सॉरी अगर मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको हम कहते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस, क्वांगो रेनिम दाइबियो दाहुई को हम नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहते हैं। अब यहाँ कांग्रेस का मतलब ये नहीं होता कि भारत की जो कांग्रेस सरकार है, बेटा कांग्रेस का मतलब सिंपल सा यही होता है कि कहीं पर भी अगर इलेक्टेड बॉडी है, ठीक है, सेट ऑफ पीपल हैं, तो उनको हम कांग्रेस कहते हैं। अब सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट क्या थी यहाँ पर कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जो पार्लियामेंट है, वहाँ का जो पार्लियामेंट है, जैसे नेशनल पीपल्स कांग्रेस, उसके अंदर टोटल 3,000 मेंबर हैं, और उन 3,000 मेंबर के पास ताकत होती है कि वो क्या कर सके, प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। सबसे पहली बात, चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी है, तो वहाँ पे क्या, अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो आपको कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर होना ज़रूरी है। कोई भी और पार्टी वहाँ पे इलेक्शन लड़ ही नहीं सकती, कोई कंडक्ट ही नहीं कर सकती, वहाँ पे मीडिया पे सेंसरशिप लगी हुई है, बैन लगा हुआ है। अगर आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो आप कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब इन्होंने क्या करा है कि अपनी कम्युनिस्ट पार्टी जो इनकी नेशनल लेवल की पार्टी है, उसकी 8 सब ब्रांचेस बनाई हुई है इन्होंने। उन 8 सब ब्रांचेस में क्या है कि आप पहले इनके मेंबर बनेंगे, उसके बाद आप नेशनल पीपल कांग्रेस में पहुंचेंगे, फिर वहां पे जो 3,000 लोग हैं वो चूज करेंगे फाइनली प्रेसिडेंट कौन बनेगा। जैसे जिंगपिंग है इस समय, उनका तो आजीवन काल का उन्होंने कार्यकाल अपना कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट। तो चाइना के अंदर क्या है, चाइना के अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं है, सिंगल पार्टी सिस्टम है वहां पे, ठीक है। वहां पे क्या होता है कि जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसके पास ही सिर्फ अधिकार होता है कि वो क्या कर सके, कंट्री को रूल करे। और ये जो उनकी थ्योरी होती है कम्युनिज्म की थ्योरी, बेटा ये कम्युनिज्म की थ्योरी को फॉलो करते हैं। कम्युनिज्म का मतलब होता है स्टेट के अंदर एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय द स्टेट, फ्रॉम इंडस्ट्री, चाहे वो एक छोटी सी पिन बनाए, चाहे टैंक बनाए, वो सब के सब सरकार ही कंट्रोल करेगी। सारे लैंड रिसोर्सेज को, सारे आप कह सकते हैं मिनरल्स को, वाइटल्स इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को कह सकते हैं, हर एक चीज़ को जो है वो चाइनीज गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी। इसको कम्युनिज्म की थ्योरी कहते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम की वहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं होती है। चलिए अब बात करते हैं मैक्सिको की, ठीक है। अगर आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में 3 बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। सबसे पहले कनाडा आता है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और उसके बाद मैक्सिको। मैक्सिको अपना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ बॉर्डर शेयर करता है। चलिए आपके लिए क्वेश्चन की मैक्सिको की कैपिटल बताइए और उसकी करेंसी मुझे कमेंट्स में बताइए। अच्छा चलिए बात करते हैं कि मैक्सिको के अंदर, मैक्सिको जो था 1930 में आजाद हुआ, ठीक है। अब मैक्सिको को जब इंडिपेंडेंस मिली 1930 में, उसके बाद तब से लेकर, ठीक है, लगभग 2000 तक, ठीक है, 2000 तक अगर हम देखते हैं, तो वहां पे एक पार्टी रूल कर रही है जिसका नाम है पीआरआई। पीआरआई का मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, ठीक है। 1929 में इसका गठन करा गया था, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। प्लूटार्को एलिस कैलिस नाम था उनका, वो नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो पार्टी है वहाँ पे, डेमोक्रेसी भी है वहाँ पे, देखो ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी, इलेक्शन होते हैं वहाँ पे, लेकिन ये जो पीआरआई पार्टी है, ये पार्टी क्या करती है, ये पार्टी चीटिंग करती है। दैट मीन्स ये हर इलेक्शन को डर्टी ट्रिक्स, मॉल प्रैक्टिसेस, फ्रॉड और चीटिंग से, कैसे बूथ कैप्चरिंग कर लेते हैं, टीचर्स को फोर्स कराया जाता है कि पेरेंट्स को वो फोर्स करें कि हमारी पार्टी के लिए ही वोट करो, मीडिया वहाँ पे बैन है, और कोई भी मीडिया अगर पीआरआई पार्टी के खिलाफ कोई भी चीज़ मैनिफेस्टो दिखाती है या कोई भी प्रोग्राम दिखाती है तो उसको बैन कर दिया जाता है, लोगों को जेल में डाल दिया जाता है अगर कोई भी अपोजिशन के खिलाफ होता है। गवर्नमेंट ऑफिशल्स को फोर्सफुली कहा जाता है कि आप रेवोल्यूशनरी पार्टी की मीटिंग्स को अटेंड करिए, बूथ को कैप्चर कर लिया जाता है, फ्रॉड काउंटिंग करी जाती है, पोल्स को शिफ्ट कर दिया जाता है एंड टाइम पे, ठीक है। एंड टाइम पे मतलब क्या करते हैं ये लोग,
लोग कि एक वोटिंग स्टेशन है जहाँ पे लोग जाके वोट देंगे, तो एंड टाइम पे क्या करते हैं, वोटिंग स्टेशन वहाँ से हटा देते हैं। अब लोग वोट नहीं दे पाते तो वो अपनी फ्रॉड वोटिंग करा देते हैं और जीत जाते हैं। तो ये लोग डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं मैक्सिको के अंदर, ये PRA जो पार्टी, और वहाँ पर क्या है, जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके अंदर भी ये लोग इतनी चीटिंग करते हैं कि वो किसी और पार्टी को जीतने ही नहीं देते। इवन अगर कोई उनके खिलाफ जाता है या कोई उनके इलेक्शन में खड़ा होना चाहता तो वो फिर क्या करते हैं, या तो उसको जेल में डाल देते हैं उठा के, ठीक है, या फिर उसको मार देते हैं, या फिर उसको बैन कर देते हैं, चाहे कोई न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो, टेलीविजन हो। तो यहाँ पे मैक्सिको के अंदर ये जो PRA पार्टी है, तो हम भी इसको नहीं कह सकते कि ये एक प्योर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, बिल्कुल भी नहीं कह सकते। चलिए आगे बात करते हैं, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू की बात करते हैं। देखो तो दुनिया के अंदर जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उन डेमोक्रेटिक कंट्री में एक एक रूल को फॉलो करते हैं जिसको कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है जितने भी अडल्ट होते हैं कंट्री के, दैट मीन्स ज़्यादातर इसको 18 ईयर से अबव लिया जाता है, कि जो 18 साल से अबव के लोग हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, उनके पास राइट टू वोट होता है। हर इंसान का एक वोट होता है कि वो अपने वोट दे के अपने फेवरेबल, या जिसको वो सरकार को चुनना चाहते हैं, जिस लीडर को पसंद करता है उसको वोट दे सकते हैं। इवन आप देखेंगे पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा विश्व का देश था जिसने स्टार्टिंग से, सिंस 1947 से, जब हमारा संविधान 1950 में बनके तैयार हुआ, तो तब से लेकर हमने पहले दिन से ही फीमेल्स को राइट टू वोट दिया था। ठीक है, हमने राइट टू वोट सबको दिया था, लेकिन उस समय हम 21 साल से अबव देते थे। बाद में राजीव गांधी में 1989 में इसको रिड्यूस कर दिया गया था 18 ईयर्स पे, लेकिन स्टार्टिंग से हमने जो था वो क्या था कि सिर्फ 21 साल से अबव को देंगे, और सबके लिए, मेल और फीमेल दोनों को राइट टू वोट मिलेगा। आप देखा, अगर फ्रांस की बात करते हैं, आप अमेरिका की जैसे इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की बात करते हैं, अमेरिका को तो सबसे पहला, क्योंकि सबसे पहला संविधान ही अमेरिका ने बनाया, तो तब से लेकर बात करते हैं तो उन्होंने भी फीमेल्स को राइट टू वोट नहीं दिया था, लेकिन इंडिया ने दिया। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जो राइट टू वोट है उसमें कुछ घपलेबाजी होती है, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो नहीं करा जाता है। जैसे सऊदी अरेबिया की बात करेंगे, मिडिल ईस्ट की एक इतनी बड़ी कंट्री है सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया में फीमेल्स को राइट टू वोट नहीं है, मतलब औरतें वहाँ पर वोट नहीं दे सकती। एस्टोनिया एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, बाल्टिक सी के पास है एस्टोनिया, लेथविया, लिथुनिया, तीन कंट्रीज होती है, उसमें से एक एस्टोनिया है। तो एस्टोनिया के अंदर क्या है, जितने भी ऐसे जो रशियन लोग जो वहाँ पे रहते हैं, जो वाइट माइनॉरिटी के लोग, ऐसे रशियन लोग जो माइनॉरिटी में हैं, उनको बड़ी मुश्किल होती है वोट देने के लिए, ठीक है, उनको राइट टू वोट नहीं है वहाँ पर। फिजी की बात करते हैं, आइलैंड कंट्री है, तो फिजी के अंदर दो तरीके के लोग रहते हैं, तो इंडिजीनियस फिजी का मतलब जो वहाँ के ऑथेंटिक ओरिजिनल लोग हैं, जो इनहेबिटेंट हैं, और कुछ इंडियन फिजी मतलब भारत से जो कमर्शियल प्लांटेशन या फिर जो ट्रैवल करके वहाँ पे या स्लेव के तौर पे वहाँ जाके बस गए और उनकी डायनेस्टी आगे बढ़ गई, उनको इंडियन फिजी कहते हैं। तो जो इंडिजीनियस फिजी है उसके वोट की वैल्यू ज़्यादा है इंडियन फिजी से, तो डिस्क्रिमिनेशन है वहाँ पे वोट के बेसिस पे, उसने अपने आइडेंटिटी के बेस पे। तो ये कुछ केसेस है दुनिया के अंदर जहाँ पे राइट टू वोट जो डिनाई करा जाता है। अब खास बात है एक कंट्री के बारे में और बात करते हैं, जिम्बाब्वे। चलिए आप बताइएगा मुझे जिम्बाब्वे की करेंसी और जिम्बाब्वे की कैपिटल। अब जिम्बाब्वे को जब 1980s में जिम्बाब्वे वाइट माइनॉरिटी से आज़ाद हुआ था, गोरे लोगों से आज़ादी जब 1980 में इसको मिली, तो तब से लेकर, ठीक है, और आगे लगभग 40 से 50 साल तक जो इसको रूल करा गया है, ठीक है, वो किसने रूल करा है, रॉबर्ट मुगाबे, ठीक है। रॉबर्ट मुगाबे जो हैं, इनकी पार्टी का नाम है ZANU-PF, इनकी पार्टी का क्या नाम है, ZANU-PF। अब ये भी ऐसे थे सेम बिल्कुल रॉबर्ट मुगाबे, क्या करते थे, चीटिंग करते थे, डर्टी ट्रिक्स करते थे, बूथ कैप्चर करा लेते, मॉल प्रैक्टिस करा लेते थे, मीडिया पे सेंसरशिप लगाई हुई थी, सब कुछ कंट्रोल करती थी गवर्नमेंट, न्यूज़पेपर से लेकर, टेलीविजन से लेकर, बुक्स से लेकर, मटेरियल से लेकर, होर्डिंग से लेकर, एडवर्टीजमेंट से लेकर, हर एक चीज़ को कौन कंट्रोल कर रहा है, जी गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। अपोजिशन जो है वो इनको क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर सकता कोई भी, अगर कोई भी इनको क्रिटिसाइज़ करता है, इनके खिलाफ जाता है, तो ये क्या करते हैं, उसको पकड़ में जेल में डाल देते हैं, मार देते हैं, बैन कर देते हैं, ठीक है, उनको अरेस्ट करा देते हैं। इवन देखिए इन्होंने क्या करा, रॉबर्ट मुगाबे ने जो कॉन्स्टिट्यूशन था ZANU, इसका कैसे जिम्बाब्वे का कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको बार बार रिपीटेडली अमेंडमेंट करें, अमेंडमेंट मतलब संविधान में चेंज करें, और सारी ताकतें जो है राष्ट्रपति के हाथ में रख दी, दैट मीन सारी पावर्स प्रेसिडेंट के हाथ में आ गई, तो कोई उनको क्रिटिसाइज ही नहीं कर सकता और कोई उनके अगेंस्ट भी नहीं जा सकता। तो ये रॉबर्ट मुगाबे, इवन देखिए कई बार वहां के जो कोर्ट्स होती थी, जुडिशरी को हम कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं, न्याय विभाग को, तो जुडिशरी जितने वर्डिक्ट देती थी, या कई बार वो ZANU-PF के खिलाफ या रॉबर्ट मुगाबे के खिलाफ डिसीजन देती थी, ये लोग इसको इग्नोर कर देते थे, और मतलब वहां पर कोर्ट की भी नहीं चलती थी, कोर्ट के डिसीजंस को भी कोई नहीं मानता था। तो डेमोक्रेटिक रूल जो था जिम्बाब्वे का, वहां पर भी कह सकते हैं कि प्योर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी प्रैक्टिस तो होती है दिखने में, दूर से देखने में, लेकिन असलियत में क्या है, वहां पर अनडेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करा जाता है वहां पर। अब इसके बाद बात करते हैं डेमोक्रेसी, अगर हम कहते हैं दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो डेमोक्रेसी के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या खासियत है।
ठीक है, डेमोक्रेसी के अंदर भैया कुछ ना कुछ तो खासियत होगी। सबसे पहली बात आती है कि डेमोक्रेसी के अंदर द गवर्नमेंट इज अ इलेक्टेड वन, जो सरकार होती है वो लोगों के द्वारा चुन के आती है, ठीक है, वो किसी कह सकते हैं शाही परिवार से या राजा रानी की नहीं होती, वो लोगों के द्वारा चुनी हुई होती है। दूसरी चीज, डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होते हैं, हर इंसान के पास मौका होता है। भारत के अंदर एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया तो हर इंसान के पास मौका होता है कि वो प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, ठीक है, वो सचिव बन सकता है, ठीक है, और वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, वोट कर सकता है, पार्टी बना सकता है, एसोसिएशन बना सकता है, कैंपेनिंग कर सकता है। हर इंसान के पास राइट टू वोट है, चाहे लड़का हो लड़की हो, 18 साल से अबव है, चाहे मेल हो फीमेल हो ट्रांसजेंडर हो, सबके पास राइट टू वोट है। हर इंसान के पास मौका मिलेगा कि वो इलेक्शंस में वोट कर सकता है। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का सबसे पहली बात क्या है कि भारत के अंदर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को रूल कौन करता है? एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जिस बुक को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। गवर्नमेंट जो अपनी सारी ताकत जो है वो संविधान से लेती है और वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनाती है। वो कोई भी एक ऐसा लॉ या कोई भी ऐसा काम नहीं करती जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस और राइट्स सिटीजन्स के लिए मेंशन होते हैं, उसके हिसाब से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काम करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर हर इंसान का मौका होता है कि इलेक्शंस में पार्टिसिपेट भी कर सके, अपोजिशन भी होती है। जैसे इस समय बात करेंगे तो अभी देखिए बीजेपी रूलिंग गवर्नमेंट है और कांग्रेस जो है वो अपोजिशन की सरकार है, तो अपोजिशन के पास भी काम होता है कि फ्रीली पब्लिक क्रिटिसाइज कर सकती है सरकार को, सरकार के खिलाफ बोल सकती है, वो सरकार को जगा सकती है स्पेसिफिक इशूज़ को लेकर। और इवन देखेंगे कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे काम करती है, पॉलिटिकल इक्वालिटी पे। पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब होता है एवरी पर्सन हैज द राइट टू वोट, एवरी पर्सन हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, एवरी पर्सन कैन फॉर्म द गवर्नमेंट, एवरी एनी पर्सन कैन रीच अप टू द हायर पोजिशन लाइक प्रेजिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। पॉलिटिकल इक्वालिटी सबके लिए, ऐसा नहीं है कि राइट टू वोट सिर्फ अमीर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए नहीं है, सबके लिए वहां पे इक्वल होता है। तो ये कुछ फीचर्स होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ये फीचर्स। अब चाहे कुछ फीचर्स हैं तो कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होंगे। डेमोक्रेसी के खिलाफ क्या क्या आर्ग्यूमेंट है? सबसे पहली बात, डेमोक्रेसी के अंदर लीडर्स चेंज होते रहते हैं। लीडर्स क्यों चेंज होते रहते हैं? जैसे अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो भारत के अंदर हर 5 साल और 6 साल में इलेक्शंस होते हैं, तो हर 5 साल बाद हमको मौका मिलता है कि हम अपनी सरकार को चेंज कर सकते हैं। देखिए, एक हमारे लिए फ़ायदा भी है, अगर सपोज करो हमको लगता है सरकार ने इस बार हमारे लिए काम अच्छा नहीं करा या सरकार गलत है, तो इट अलाउ अस टू करेक्ट आर ओन मिस्टेक। लेकिन इससे क्या होता है, जब लीडर्स चेंज होते रहते हैं तो जब नए लीडर आते हैं, नई सरकार आती है, पुरानी वाली पॉलिसीज़ को चेंज कर देती है, वो नए रूल्स ले आती है, वो सारी जितने भी उन्होंने फंक्शनिंग करी होती है अब तक, जो सरकार ने डेवलपमेंट करी होती है उसको रोक देती है, अपने हिसाब से करती है, अपने नाम के लिए, तो ये दिक्कत होती है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या होती है, डेमोक्रेसी के अंदर ना पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन और पावर प्ले बहुत हो जाता है, मतलब पैसा, ठीक है, मसल पावर, ठीक है, आप जानते ही होंगे गुंडागर्दी कई बार हो जाती है, दंगे हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा होते हैं, पैसे की डेमोक्रेसी हो जाती है, मतलब वहाँ पे क्या मोरालिटी की जो एथिक्स है वो थोड़े कम हो जाते हैं और पैसा पावर पोजीशन, ठीक है, कुर्सी के पीछे दौड़ने लग जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या, डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करना होता है। अगर आप बात करोगे किंग मोनार्की रूल में तो राजा ने जो ऑर्डर दे दिया सबको मानना पड़ता है, लेकिन अगर आप बात करोगे डेमोक्रेसी में तो कोई भी डिसीजन, अगर मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कोई लॉ पास होना है तो इट हैज़ टू बी पास फ्रॉम दी लोकसभा देन टू दी राज्यसभा डन बाय दी प्रेजिडेंट, उसको असेंड करता है, तो बहुत सारे लोगों को कंसर्न करना पड़ता है, ये भी एक बहुत डिले हो जाता है इससे कई बार रूल एंड रेगुलेशन, ठीक है। तो अब दूसरी चीज़, कई बार क्या होता है, कई सारे जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं वो कुछ खास ही लोगों के लिए काम करते हैं, मतलब एक सेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उनका कि बिजनेसमैन को फ़ायदा पहुंचाएंगे, इनको फ़ायदा पहुंचाएंगे, और वो जितने पुअर हैं या जो बेचारे पावर्टी लाइन से नीचे हैं या जो बेचारे पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए वो काम नहीं करते। और डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, करप्शन। करप्शन कितना है भाई, यहाँ पे कालाबाजारी कितनी है भाई, कई बार इलेक्शंस में पैसा दिया जाता है, ठीक है, वोटर्स को ललचाने के लिए पैसा दिया जाता है, ठीक है, पैसा खर्च कराता है, शराबें बंटवाई जाती हैं, पैसा बंटवाया जाता है, कपड़े बंटवाए जाते हैं, मिठाई बंटवाई जाती है, तो पैसे से पैसे की राजनीति हो जाती है वहाँ पर। कई बार क्या होता है, ऑर्डनरी पीपल जो बिल्कुल जो आम आदमी बेचारा गरीब, अगर मैं किसान की एक लेबर की बात करता हूँ तो उसको क्या पता डेमोक्रेसी क्या होती है, लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है, तो उनको तो पता ही नहीं होता कि बस उनको पता था हाँ बस ये वाली पार्टी, इनको जाके वोट दे दिया, तो उनके पास तो कोई डिसीजन मेकिंग में उनको मौका ही नहीं मिल पाता, उनको मालूम ही नहीं है कि एक्चुअली में डेमोक्रेसी या फिर गवर्नमेंट क्या है। तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं हमारे डेमोक्रेसी के खिलाफ, ठीक है, जो कि आपको दिमाग में रखने हैं। अब बात करते हैं, एक मैं आपको दुनिया का एक ऐसा इवेंट बताना चाहता हूँ जिस इवेंट ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। ये इवेंट की बात है चाइनीज फेमाइन ऑफ 1958 से 62 के बीच में। 1958 से 62 के बीच में दुनिया में सबसे बड़ा अकाल आया था, सबसे बड़ा अकाल। ये इतना बड़ा अकाल था कि 3 से 4.5 करोड़ लोग मर गए थे।
अगर आप आज कोरोना वायरस के बारे में या अगर आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ते हो तो आप करंट अफेयर्स में चाइना में वेट मार्केट के बारे में आप पढ़ते हो कि चाइना के अंदर एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे सांप, मगरमच्छ, वहाँ पे चूहे, बिल्ली, बंदर, ये सब खाए जाते हैं, वो सब यहाँ से जुड़ा हुआ है। अगर आप देखते, आप पढ़िएगा हिस्ट्री में, तो चाइनीज़ फेमाइन क्या है, 1958 से 62 के बीच में चाइना में एक बहुत बड़ा अकाल आता है। कहा जाता है कि भाई ये मैनमेड भी था और नेचुरल भी था। अब हुआ क्या वहाँ पे कि यहाँ पर 4.5 करोड़ लोगों की मौत हुई, और इस मौत ने पूरी दुनिया में क्या था, एक अहंकार मचा दिया। अब हुआ क्या यहाँ पे कि चाइनीज़ सरकार जो थी, क्योंकि अब मैंने आपको पीछे चाइना में क्या बताया था कि चाइना के अंदर सिंगल पार्टी सिस्टम है, सारी चीज़ें चाइनीज़ पार्टी, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ही हैंडल करती है, कोई और कर ही नहीं सकता वहाँ पर। अब क्या है वहाँ पर, क्या हुआ कि जब ये वहाँ पर अकाल जब शुरू हुआ था वहाँ पर, तो हुआ क्या कि चाइनीज़ सरकार ने इसको इग्नोर कर दिया, उन्होंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, और लोग मरते गए, खाने की कमी होती गई। और जब इतने बड़े लेवल पर फैल गया, तब जाके दूसरी कंट्रीज़ को पता लगा, क्योंकि चाइना के अंदर ना तो अपोजिशन है ना मीडिया है, मीडिया जो है वो सब सरकार के हिसाब से चलता है, उनका खुद का गूगल है, खुद का यूट्यूब है, खुद के चैनल्स है, खुद की मीडिया है, और वो सब मीडिया जो है वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होती है और गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो लोगों को पता ही नहीं लगा। तो कहा जाता है कि अगर वहां पर कोई अपोजिशन होती या वहां पर कोई एक ऐसा मीडियम होता या मीडिया होती जो लोग सरकार को ये बता सकती कि इतना बड़ा अकाल आया हुआ है देश के अंदर, आप उसके लिए काम करिए, लोगों को बचाइए, लोगों को खाना पहुंचाइए, तो अगर ऐसा होता तो ये अकाल जो इतना बड़ा था, जिसने 4.5 करोड़ लोगों की जान ले ली, वो बच सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आप अगर भारत की बात करते तो भारत में कभी इतना बड़ा अकाल नहीं आया, क्योंकि भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, अगर सरकार कोई बात पे ध्यान नहीं दे रही या कोई ऐसा काम करिए जो लोगों के हित में नहीं है, लोगों के लिए खिलाफ है या एनवायरमेंट के खिलाफ है, तो आप देखते हैं प्रोटेस्ट होने लग जाते हैं, हड़ताल होने लग जाती है, लोग पार्लियामेंट में बहस छिड़ जाती है। तो ये फायदा होता है अपोजिशन का और मल्टी पार्टी सिस्टम का डेमोक्रेसी में, लेकिन चाइना में डेमोक्रेसी तो नहीं है, तो उसी का नुकसान है। आप यहाँ पे कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं यहाँ पे कि कितने लोग खाने की वजह से मर गए, और यहीं से शुरुआत होती है कि लोगों ने कीड़े मकौड़े, ठीक है, बिल्ली कुत्ता, ये सब चीज़ें खाने लग गए, और आगे चलते वो वेट मार्केट बन गई और डिफरेंट वायरसेस दुनिया में निकल गए, जो आज आप देख रहे हैं कहानी की कोरोना वायरस कैसे फैल गया है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई चाइनीज़ फेमाइन के बारे में। अब बात करते हैं डेमोक्रेसी, देखो इतनी सारी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हमने पढ़ा, मेरिटोक्रेसी, डेमोक्रेसी, ओलीगार्ची, मिलिट्री रूल, ठीक है, डिक्टेटर रूल, अथॉरिटेरियन रूल, किंग रूल, एनार्की, लेकिन डेमोक्रेसी ही क्यों बेटर है? सबसे पहली बात, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल का मतलब होता है सरकार से आप पूछ सकते हो, आप राइट टू इन्फॉर्मेशन तो जानते हो ना, 2005 का एक्ट, वो क्या कहता है कि वी कैन आस्क द गवर्नमेंट, सरकार हमारे लिए क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। सरकार को आपको बताना ही है कि हमने ये लॉ बनाया, इतना पैसा खर्च करा, इतना नहीं करा, तो अकाउंटेबिलिटी है। जैसे मम्मी आपको 100 रुपये देती है, जा बेटा बाजार से सामान लिया, आप वापस आए तो मम्मी हिसाब मांगती है ना, तो हमारे पास ये राइट होता है सरकार से हिसाब मांगने का। डेमोक्रेसी के पास ये सबसे बड़ी खासियत होती है कि अगर कोई डिस्प्यूट है, स्टेट के बीच में कोई लड़ाई है, झगड़ा है, धर्म के बीच में कोई झगड़ा है, टेरिटरी को लेकर कोई झगड़ा है, तो उसको रिजॉल्व करने का मैकेनिज्म डेमोक्रेसी के पास है, ठीक है। डेमोक्रेसी डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने में माहिर है। तीसरी बात आती है यहाँ पे कि डिसीजन मेकिंग, हम जानते तो हैं कि डिसीजन लेट होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करना होता है, लेकिन इससे क्या होता है, डिसीजन की क्वालिटी भी इंप्रूव होती है, ये बात भी अच्छी है। अब बात करते हैं डेमोक्रेसी लोगों की डिग्निटी को एनहेंस करता है, क्योंकि हर इंसान के पास अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, सिविक राइट्स होते हैं, ठीक है। तो ये लोगों के पास डेमोक्रेसी जो है लोगों की डिग्निटी को एनहेंस करती है, बढ़ाती है, ठीक है, उनके राइट्स को रिस्टोर करती है। दूसरी चीज़ आती है डेमोक्रेसी जो है हमें मौका देती है कि हम अपनी गलती को सुधार सकते हैं। कैसे भाई, हमने सरकार चुनी 5 साल के लिए, अब अगर सरकार सही से नहीं चल जाए चलेगी, या तो वो गिर जाएगी, ठीक है, या फिर ऑब्वियसली बात क्या होगा कि हमारे पास नेक्स्ट 5 साल बाद फिर मौका होगा कि वी कैन चेंज द गवर्नमेंट, वी कैन चेंज द लीडर। चाइना में नहीं कर सकते भाई, वहाँ तो कम्युनिज्म, अगर चाइना में आप बोल के तो देखो अपनी सरकार के खिलाफ, आपको उठा के जेल में डाल देंगे, लेकिन भारत में बोल सकते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर आपके पास राइट होता है कि आप अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यहाँ पर होता ही होता है। तो यहाँ पर हमारे पास अधिकार होता है कि हम अपनी गलती को सही कर सकते हैं। अगर आप देखें कि आप बीजेपी देखिए 2014 में जी, 2019 में, लेकिन उससे पहले अगर आप बात करते हैं तो देखिए कांग्रेस सरकार रही थी, यूपीए सरकार रही थी, तो इस तरीके से हर बार हर पॉलिटिकल पार्टी को मौका भी मिलता रहता है, और साथ ही साथ लोगों के पास ये चांस होता है कि अपनी गलती को सुधार सकते हैं। तो आई होप ये आपको लेक्चर समझ आया, ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा, AS Talk सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।